हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 NIOS क्लास 10 होम साइंस का चैप्टर नंबर 18 कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी समरी देखेंगे, फिर उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन देखने के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समरी देखते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, इसका मतलब होता है सबसे पहले नंबर पर ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए। ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज द इंक्रीज इन वेट, हाइट, हाइट मतलब लेंथ, एंड चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन का मतलब जिस हिसाब से आपका पैर बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपकी पूरी बॉडी, हाथ पैर मतलब सारा कुछ सेम रेशियो में बढ़ेगा। नहीं तो हाथ पैर छोटे, पैर बड़े हो जाए ना, इसलिए प्रोपोर्शन वर्ड यूज करते हैं। ग्रोथ टेक्स प्लेस इन अ फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ फिजिकल ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें सारी चीजें आती हैं, जेनेटिकली प्रोग्राम्स है ना, जिससे इन्वायरमेंट से सीखता है बच्चा, लैंग्वेज हो गया, अपना दिमाग लगाना, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, सारा चीज़ आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मैच्योरेशन का मतलब होता है फैक्ट दैट पोटेंशियल ट्रेट्स मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज करता है, जैसे बैठना हो गया, चलना, रेंगना, ठीक है, ये सारे के सारे आपके इसमें आते हैं। आर प्रेजेंट एट बर्थ इन द इंडिविजुअल एंड आर कंट्रोल्ड बाई हेरिडिटी। मतलब ये सारे कंट्रोल होते हैं हेरिडिटी, मतलब बाप दादा से जो मिला हुआ होता है, ठीक है, घर से वो होता है। दिस अनफोल्ड इट सेल्फ एवरी टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से भी ये बदलता है। एक्वायरिंग न्यू स्किल्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन एंड ट्रेनिंग इज नोन एज लर्निंग। जब हम कोई इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको चतुराई, समझदारी सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। देयरफॉर मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। बोथ ऑफ दीज वर्क आर इंपॉर्टेंट एंड आर रिलेटेड टू इच अदर, ठीक है। ये क्या करते हैं, दूसरे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। द टर्म हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी इज वॉट अ पर्सन इज बॉर्न विद। एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग दैट इज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, सच एज पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड, स्कूल, नेबरहुड, वर्क प्लेस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन टू विच द इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड सिंस बर्थ। इसमें कह रहे हैं कि जो हेरिडिटी का मतलब होता है, जो डेवलपमेंट है, हमें माँ दादा से मिला हुआ है। हेरिडिटी में पर्सन का बर्थ होता है तब से ही, मतलब बर्थ क्या, जब से वो माँ के पेट में रहता है तब से ही मतलब शुरू हो जाता है उसी हिसाब से। उसके बाद इन्वायरमेंट के हिसाब से वो सीखता है, जैसे फैमिली, दोस्त, है ना, स्कूल में, पड़ोस में, ये सारी चीज़ें। सोशियो इकोनॉमिक मतलब समाज में कैसे काम किया जाता है, कैसे कमाया जाता है, सारा कुछ सीखता है बर्थ के बाद से ही। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है क्या क्या है, सबसे पहले नंबर पर है डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। डेवलपमेंट जो है फिक्स पैटर्न बताता है, सीक्वेंस बताता है। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, नॉर्मल से लेके स्पेशल कुछ डेवलपमेंट, मतलब आपको थोड़ी बात पता, फिर उसके बाद प्रोफेशनल बात पता चली उसके बारे में, वो ये है, ठीक है। डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, जितनी भी डेवलपमेंट है एक दूसरे से रिलेशन में है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है, मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होता है। जैसे छोटा बच्चा जिस हिसाब से ग्रो करता है तो माँ बाप को पता चल जाता है कि इसकी ग्रो जो है कितनी अच्छी है, कितनी बुरी होने वाली है आगे टाइम, उस टाइम उस हिसाब से वो डॉक्टर को दिखाकर दवा ववा खाना पीना खिलाने लगता है। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस स्टेज बाई स्टेज होता है। इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट, अर्ली जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा जरूरी है लेटर से। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है प्रोडक्शन ऑफ मेच्योरेशन और लर्निंग होता है। ये सारे फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी बॉडी के डेवलपमेंट का, जो हेरिडिटी से भी होता है और इन्वायरमेंट से भी होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन होता है, अर्ली स्टिमुलेशन और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस से भी होता है कि आप बचपन में आपके माँ बाप, दादा दादी आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें आकर होती हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, ये होता है, ठीक है। ये आपकी समरी थी, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर रीअरेंज है, जो रीअरेंज एग्जाम में नहीं आता। नेक्स्ट, आई हैव लर्न टू मेक न्यू फ्रेंड्स रिफर टू टर्म, ये टर्म है, इसको डेवलपमेंट कहते हैं, आप बना के इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी, ये सब एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, MCQs है, MCQs एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन हु आर टेलर टॉलर द एज ऑफ देयर एज ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स आर लेट टॉलर दो, मतलब जो छोटा बच्चा होता है बड़ा होता है फिर बड़ा और बड़ा होता है, ये ऑब्जर्वेशन क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ऑफ द होल सिक्वेंस इन विच अ चाइल्ड डेवलप फ्लोज टू ट्रेंड्स टिक आर, आप जो सही बताना। तो क्या है, सिफालो सुडल एंड प्रॉक्सी मॉडिस्टल,
थर्ड क्वेश्चन है, यू डिड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द डे यू आर बॉर्न, इंस्टीड यू डेवलप स्पीच ग्रेजुअली, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाई स्टेज। ये है 18.3 में मेंशन करना आपको स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो। ये सब जो आपको दे रखा है इन्होंने जिग्सॉ पजल, ये भी जिग्सॉ पजल भी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट क्वेश्चन 18.5 है, यहाँ पर आपको फिलअप्स है, फिलअप्स एग्जाम में नहीं आता, तो आप ये सब स्किप कर सकते हैं या खुद पढ़ना खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ एग्जाम में नहीं आती हैं तो एक्टिविटीज़ आपको नहीं पढ़ना। हाँ, एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो लॉजिकल लगाते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ रंजन वाला, ठीक है। सपोज यू आर निर्मत, राइट रिलेटेड टू योर कजिन रंजन, टू टेल हर एनी टू एस्पेक्ट्स ऑफ सूफी डेवलपमेंट दैट यू एंजॉय द मोस्ट एंड वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट डिसलाइक, मतलब क्या डेवलपमेंट उसका पसंद करते हो बताना और क्या नहीं। तो आपको यहाँ अपनी लैंग्वेज में बताना है कि कब उसकी एज कितनी थी, उसके बाद एज में कैसे वेरिएशन आया, उसका ध्यान रखो, क्या करो, ये सारा लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज एग्जाम में नहीं आती, ये वाली, ये सारी एक्टिविटीज जो है एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगी आपको। ये हम सीधे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चन आ गया आपका, डिफाइन करने के लिए आ गया। डिफाइन क्या करना है तो आपको बता दूं, पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताना है, हेरिटी एंड एनवायरमेंट बताना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी हमने पढ़ा था, वही ये हो गया, ठीक है। डिफरेंसेस यहाँ पर ए बी दो है, उसके बाद हेरिटी एनवायरमेंट के बारे में बताया गया है, आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंसेज हेरिटी एनवायरमेंट के यहाँ से लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव फोर रीजन ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर फोर रीजन दे सकते हो डिफरेंसेस के, बच्चों में जो हर एक बच्चों के अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, ये बता सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, गुड इमोशन डेवलपमेंट हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, ठीक है। द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस इमोशन इज कॉल्ड एज इमोशनल डेवलपमेंट, एबिलिटी जो हम कंट्रोल करते हैं इमोशंस को मैनेज करते हैं, ये होता है हमारा। अ चाइल्ड हु इज सराउंडेड बाई इमोशनली डेवलप्ड पीपल गेट्स टू बिकम मोर इमोशनली मेच्योर्ड एंड स्टेबल एंड लर्न टू मैनेज हिज इमोशन अ बेटर वे। इसको हम सिखाते हैं बच्चे को कि किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है, रिलेशनशिप को बढ़ा सकता है, ये सारा कुछ लिखा है, आपको वीडियो को पॉज करके इसके बारे में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल मोटर जो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल डिवाइड होता है, ठीक है। कैसे होता है, रिकॉग्नाइज चेंज इन इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इंटू ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एज वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, ये सब कैचिंग हो गया। फाइन मोटर स्किल्स जो होता है पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है, डूइंग अप पैटर्न्स यूजिंग स्पून, राइटिंग, ये होता है। मोटर डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट डेवलपमेंट है इंडिविजुअल का फिजिकल एस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए उसके बाद है, योर फ्रेंड हैज़ हैड बैड हैंड राइटिंग, मतलब खराब राइटिंग है उसकी, तो उसको कैसे बताओगे तुम्हारे अंदर क्या कमी है, उसको सही क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ चाइल्ड इन योर लोकेलिटी इज नॉट प्रोवाइड द सिमिलर एनवायरनमेंट, बच्चा है सही से एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। चलिए जूम कर देता हूँ यहाँ पर, बता सकते हो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, वेरियस एस्पेक्ट, जैसे आप देखते हो बॉडी के पार्ट्स किस तरह से बढ़ रहे हैं ना, एनवायरनमेंट के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, वो है। व्हाट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है लार्ज मसल्स होते हैं, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सारा आ जाता है इसमें। फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है स्मॉल मसल्स, इंक्लूड्स होता है एक्टिविटी ऐसी जैसे कप पकड़ना, क्रेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, ये सारी होता है, ठीक है। जिप बंद करना, बटन बंद करना, कैसे, ये सब होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज आर ऑब्जर्व अमंग द प्री स्कूल, ये सारे के सारे हमारे प्री स्कूल के हैं। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेवलपमेंट इन चाइल्ड बाई एज ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर में क्या आता है, सेल्फ फीडिंग आता है, मतलब खुद से खाना खाना आ जाता है, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, हैंड राइटिंग और कॉपिंग आ जाता है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन चिल्ड्रेन, तो पहला नंबर है एंडोमॉर्फिक चाइल्ड, एंडोमॉर्फिक में आता है फ्लैबी आ जाता है, फैट बॉडी बिल्डिंग बन जाती है। उसके बाद मेरामॉर्फिक बिल्डिंग है, मेसोमॉर्फिक है, चिल्ड्रेन ऑफ दिस टाइप बिल्डिंग टेंडेंसी टू हैवी हार्ट, रेक्टेंगुलर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक्टोमॉर्फिक बिल्ड, चिल्ड्रेन ऑफ दिस टाइप बिल्ड हैव द एक्टोमॉर्फिक बिल्ड विच टेंड्स टू बी लॉन्ग एंड स्लेंडर। 12th क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, तो पहले बॉडी साइज है, हाइट है, वेट है, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स है, डेवलपमेंट ऑफ टीथ,
ठीक है, फिलिप्स एग्जाम में नहीं आता, आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इमोशंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट। स्टिमुलेटेड और मूड स्टेट इंडिविजुअल माइंड का जो है इमोशंस होता है, मतलब कब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा एबिलिटी टू कंट्रोल जो होता है, मैनेज करना होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अपने इमोशंस को मैनेज कर लेना ही इमोशनल डेवलपमेंट होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ओवरऑल डेवलपमेंट? ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, टोटली जो चेंज होता है वो होता है ये। 16 क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंट वेज टू कंट्रोल एंगर। एंगर को कैसे कंट्रोल करना है ये आपके इसके बारे में लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगर को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। पहला है, ब्रीक फ्रॉम द पर्सन एंड एंग्री एंटिल योर फ्रस्ट्रेशन बिसाइड द बीट एंड गिव योर सेल्फ ब्रीक। जब आपको फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा है, तो आप जोर जोर से सांस ले हो। थिंक ट्वाइस बिफोर, जब आप कुछ कहो तो उसको 2 बार पहले सोच लो। ठीक है, काउंट करो 10 से 1, 1 से 10, इस तरह से। ह्यूमर ऑफ लाइटन यू अप एंड रिलीज टेंशन। आपकी जो ह्यूमर है, जो भी है, उसको रिलीज करो, टेंशन को रिलीज करो। ठीक है, इस तरह से आपको बनाकर लिखना है। राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन द बी डेवलपमेंट। वेर डेवलपमेंट किस बारे में शॉर्ट नोट लिखना है? पहला फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में लिख लीजिए, कॉग्निटिव के बारे में लिख लीजिए, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में लिख लीजिए आप। ठीक है, एंड देन लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में लिख लीजिए आप। 18 क्वेश्चन है, इन द डिटेल्स राइट इन डिटेल अबाउट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में लिखना है। पहला हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, न्यूट्रिशन हो गया आपका, ठीक है, अर्ली स्टिमुलेशन हो गया, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, बनाकर लिखे। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज, डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स पैटर्न सिक्वेंस, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाई स्टेज, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन लेटर डेवलपमेंट, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, फिलिप्स एग्जाम में नहीं आता, स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स ये नहीं आता। ठीक है, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 3 डिफरेंसेस देख सकते हैं, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ जो है फिजिकल एस्पेक्ट्स होता है, जबकि डेवलपमेंट जो है आपका फिजिकल के ही अकेला होता है, लेकिन ग्रोथ फिजिकल के साथ साथ हाइट वेट ये सारा होता है। ठीक है, लैंग्वेजेस आता है आपका किसमें, डेवलपमेंट में, फिजिकल हो गया, लैंग्वेज इमोशनल हो गया, ये है। दोबारा बता देता हूँ, जो ग्रोथ है आपका ये हाइट वेट के लिए होता है, डेवलपमेंट जो है फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल और सोशल के लिए होता है। ग्रोथ स्टॉप करता है, स्टॉप सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, बट डेवलपमेंट जो है टिल द डेथ, मतलब मरते दम तक चलता रहता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।